आज हम बात करेंगे, क्या हर व्यक्ति जिसका करंट स्लो है या हार्ट रेट उनका 40-45 के आसपास है, क्या सबको ही पेसमेकर की ज़रूरत है या नहीं, क्या नेचुरली करंट कंडक्शन सिस्टम स्लो नहीं हो सकता, जो लोग का वेगल टोन ज़्यादा है, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग मैनुअल लेबर करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह का काम करते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका हार्ट रेट वैसे भी लो रहता है और 40-45 बीच के आसपास नेचुरली भी रहता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स नहीं है, उसका रिदम नॉर्मल है, यानी साइनस रिदम में उसका हार्ट रेट अगर 40-45 के आसपास चल रहा है, तो उसको पेसमेकर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हार्ट रेट 40 से नीचे जा रहा है और पेशेंट का रिदम अबनॉर्मल है, या पेशेंट को पहले बेहोशी के अटैक्स वगैरह आ चुके हैं, चलने में सांस फूलती है, चलने में चक्कर आते हैं, कुछ भी काम वगैरह नहीं कर पाता है, तो वैसे केसेस में उनको पेसमेकर का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन सिर्फ हार्ट रेट ही एकमात्र फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करता है कि पेसमेकर का रिक्वायरमेंट है या नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिदम पेशेंट का चल रहा है और उसको कितने सिम्टम्स हो रहे हैं, कितने एपिसोड्स ऑफ बेहोशी हुई है उसको, इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि पेशेंट को पेसमेकर की ज़रूरत है या नहीं।